ग्राहक मकराना मार्बल क्यों ख़रीदे? इसका जवाब यह है कि मकराना मार्बल सदियों तक ख़राब नहीं होता है, इसकी चमक वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है। मकराना मार्बल न कभी काला पड़ता है और ना ही पीला पड़ता है, और ना ही कभी इसमें गड्ढे पड़ते हैं और ना ही इसकी पपड़ियाँ उखड़ती हैं। और मकराना मार्बल सर्दी व गर्मी दोनों मौसम में ठंडा रहता है। मकराना मार्बल का उपयोग कई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों, गिरजाघरों में तथा कई इमारतों में किया जा चुका है और इसकी सुंदरता आज तक कायम है। उदाहरण के लिए मोहब्बत का प्रतीक ताजमहल को देख लीजिए, 500 साल हो गए हैं लेकिन मार्बल वैसा का वैसा ही है। कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल देख लीजिए और गोल्डन टेम्पल देख लीजिए, देहरादून का राइजर मंदिर देख लीजिए आप, और फिर आप ये बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली महू का भीम जन्मभूमि स्मारक देख लीजिए, देश का बिरला मंदिर और सरवाड़ की दरगाह देख लीजिए, अजमेर शरीफ की दरगाह, ख्वाजा अरनास की दरगाह देख लीजिए, और देशनो, बीकानेर, अन्य कई चीज़ें देख लीजिए मार्बल की बनी हुई पुरानी, जो आज तक ख़राब नहीं हुई है। क्योंकि मकराना मार्बल विश्व में इमारती पत्थरों का सिरमौर है और मकराना मार्बल में 98% कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिससे ना कभी काला पड़ता है ना पीला पड़ता है और ना इसमें क्रैक आते हैं। कीमत के हिसाब से थोड़ा महंगा है, फिर भी जानकार लोगों की पहली पसंद मकराना मार्बल है, लेकिन इम्पोर्टेड मार्बल से सस्ता है। बढ़ती हुई मांग और डायमंड टूल्स के आने के से कठोर पत्थर की चढ़ाई होने लगी है, जिससे अन्य स्थानों पर निकलने वाले पत्थर डोलोमाइट को मार्बल समझा जाने लगा है। पूरे विश्व में इटली के करारा व मकराना संगमरमर को ही मार्बल श्रेणी में माना जाता है।